नहीं नहीं दिल्ली पुलिस को कोई मतलब क्लीन चिट देने की उसको कोई अथॉरिटी नहीं है लॉ में। मीन सत्र पे सारे एडवोकेट यूनाइटेड हैं, एक सुर में बोल रहे हैं। और पीछे ही हमने 14 तारीख को एडवोकेट ने एक प्रोटेस्ट हमने निकाला था, संविधान बचाओ देश बचाओ और जुडिशरी को प्रेशर से बाहर निकालो। ये लोग जो है आप ये देख रहे हैं लॉ मिनिस्टर देश का रोज जो है उसके कॉलेजियम के अगेंस्ट बोल रहा है, जुडिशरी के अगेंस्ट बोल रहा है, तो इससे क्या प्रभाव जाता है कि इसका प्रभाव जाता है कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, पे ही आना पड़ता है। निचली अदालत में जाने के लिए कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप निचली अदालत में जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में कहने जाने के लिए कहा गया। नहीं, मैंने आपको बोला, उन्होंने कहा कि निचली अदालत में आए, उसमें हाई कोर्ट भी आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है, तहलका कोर्ट भी आता है। देश के प्रधानमंत्री से क्या अपील है आपकी? देश के प्रधानमंत्री से हमारी यही अपील है कि जैसे कानून के अनुसार सबको न्याय मिलता है, ऐसे देश की बेटियों को भी न्याय मिलना चाहिए। ये सवाल नहीं है जो बार बार मीडिया उठा रहा है कि वो भारत रत्न, ठीक है उनका महान कर्तव्य, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, मेडल जीत के आई हैं, लेकिन हर बेटी जो है चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ये कानून उनको सुरक्षा प्रदान करता है, संविधान उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ये तो बेटियों में इतना दम है, पब्लिक में इतना दम है, तो ये सड़क पे आ रही, जहां तो ऐसे बलात्कार रोज हो रहे हैं, यहाँ कानून का शासन कहीं है ही नहीं। आपने, आप पत्रकार, आपने देखा होगा हर तीसरे दिन कोई ना कोई घटना होती है, बेटी का मर्डर होता है, बेटी का रेप होता है, कोई सुनवाई इस देश में नहीं हो रही, माफिया राज चल रहा है। आप देख रहे हैं ना कि ये जिसका नाम ले रहे हैं कल्प्रिट ब्रिजभूषण, उसके पास कितने केस है और उसको ला की प्रोटेक्शन, उसको ला की प्रोटेक्शन नहीं होनी चाहिए। उसके हर एक अक्यूज जो है, हर एक मुर्जुम है, वो अपने आप को गुनाहगार कहता है, लेकिन एक कानून का प्रोसेस है, कानून के हवाले होना चाहिए उसको, या कानून को अपना काम करना चाहिए और उसको पूरा मौका मिलता है अक्यूज को अपने को अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। सड़क पे वो कह के बेगुनाह नहीं हो सकता है, बचा तो मौके की सरकार रही है, जो मौके की पुलिस है उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रही है। होना ये चाहिए, पुलिस अपना इंडिपेंडेंट है, हर एजेंसी अपना, उनको अपने कानून के हिसाब से एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो कानून के हिसाब से एक्शन ना लेके वो आदेश का पालन, वो आदेश का इंतजार कर रहे हैं, ये गलत है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। मोदी कह देंगे तो मैं इस्तीफा देता। हाँ, तो मोदी और अमित शाह नड्डा का कहने का क्या मतलब हुआ? कानून तो अपना काम करता है, जो जहाँ दिल्ली पुलिस है उसको अपना काम करना चाहिए, उसको पूरा राइट होता है। डेमोक्रेसी में हर ऑफिसर को, हर ब्यूरोक्रेट का एक गाइडलाइन है, एक किताब है, कानून है, उसके हिसाब से करना चाहिए। तो नड्डा का क्या मतलब हुआ? नड्डा तो अपना एक काम कर रहा है, जो करना करे, तो उसका क्यों इंतजार कर रहे हैं? ये अक्यूज कह रहा, सॉरी, आप ये भी कह रहे हैं कि ये वो नहीं कह रही, पुलिस नहीं कह रही, वो तो चुपचाप एक्शन नहीं कर रही, है अक्यूज कह रहा है, ये कोई चॉइस नहीं होती। कानून को अपना काम करना, जब उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई है तो उसको अरेस्ट होना चाहिए। अब हम सवाल कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही, किसके कहने पर नहीं कर रही, कानून गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो सवाल सबसे पहला किस पे उठता है? देखिए, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी दबाव में है और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी भी दबाव है, इवन कोर्ट का भी दबाव है, कोर्ट भी, जुडिशरी भी आजकल दबाव में चल रही है, संविधान के अनुसार कोई, ये बहुत बड़ा अंजाम नहीं, ये रियलिटी है। आप देख रहे हैं कि कहीं भी आपने ये मिसाल नहीं देखी होगी कि एक अक्यूज के ऊपर दो दो तीन तीन एफआईआर हो गई, वो अभी भी खुला घूम रहा है, कहीं देखा आपने? कहीं नहीं देखा होगा। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से भी कल कहा कि एफआईआर कराना हमारा काम था, हमने कहा क्या वो सही काम कर रही है क्या? मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे आज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझो कि ये दिल्ली पुलिस का काम है, एफआईआर लॉज करी गई है, उसको अरेस्ट करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट वहां करें। हर एजेंसी का एक अपना काम होता है, आप एक सुप्रीम कोर्ट को पूरा देश नहीं देखना होता है, अब वो इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसकी छानबीन करनी है, दिल्ली पुलिस करेगी, वो करेगी, अगर नहीं करता है, लेकिन अगर फिर ऐसा मैटर बनता है कि कोई नहीं देखता या सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता, दिल्ली पुलिस नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक ही बार में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के और भी मैटर हैं। सर, जितने एडवोकेट हैं, बहुत सारे एडवोकेट डेली आ रहे हैं जी, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, जमीन सत्र पे सारे एडवोकेट यूनाइटेड हैं, एक सुर में बोल रहे हैं। और पीछे ही हमने 14 तारीख को एडवोकेट ने एक प्रोटेस्ट हमने निकाला था, संविधान बचाओ देश बचाओ और जुडिशरी को प्रेशर से बाहर निकालो। ये लोग जो है आप ये देख रहे हैं लॉ मिनिस्टर देश का रोज जो है उसके
कॉलेजियम के अगेंस्ट बोल रहा है, जुडिशरी के अगेंस्ट बोल रहा है, तो इससे क्या प्रभाव जाता है कि इसका प्रभाव जाता है कि उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए। कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, उनको काम करने देना चाहिए। लेकिन जेल सरकार जो आ रही है, क्योंकि सरकार तो सरकार होती है, उसके पास शक्तियाँ होती है, तो वो उनका गलत प्रयोग करके ऑफिसरों को सही से काम नहीं करने दे रहे। मीडिया चैनल में आप देख रहे हो लगातार कि कुछ लोग जो है प्रोग्राम करके पूरे मुद्दे पर बकायदा अपनी राय दे रहे हैं कि यह इसमें जो है आंदोलनजीवी लोग हैं, यहाँ पर इस तरीके का षड्यंत्र हो रहा वो है, जो है रोने गाने का षड्यंत्र हो रहा है। आज ये बात हो रही है कि कानून का शासन जो काम जो करना होता है, जो सरकार का काम होता है कि रूल ऑफ लॉ हो, वो रूल ऑफ लॉ ना कहकर जो उसको टोकते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं कि ये कानून सम्मत बात नहीं है, उसके घर उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है, ये तो आप देख ही रहे हैं। नहीं, लेकिन तो उनको आंदोलनजीवी कहते हैं वो जो सही बात को बोल रहा है। उसके लिए दिल्ली पुलिस का जो परंपरा वो देते हैं कि दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, उसने ड्रिंक नहीं किया, इस तरीके की जो बातें निकल के यहाँ सामने आ रही है, तो अब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कोई मतलब क्लीन चिट देने की उसको कोई अथॉरिटी नहीं है लॉ में। उसके पास कोई कंप्लेंट आती है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर वो देखते हैं नहीं है तब भी उसको लिख के कोर्ट में देना है कि इसके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं है, तो उससे बिना पकड़े बिना इन्वेस्टिगेट किए पुलिस क्लीन चिट नहीं दे सकती एज पर लॉ। ब्रजभूषण के मामले में जैसे कोर्ट से आप दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन कोर्ट भी तो आदेश दे सकती है ना गिरफ्तार? नहीं, कोर्ट तो देगा ना, जब अपना टाइम आएगा तो देगा ना। देख रहा है ना, उसने बोला है दिल्ली पुलिस को, कल उसने गया, उसका अटॉर्नी जनरल जो गया, जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, दो दिन और टाइम दिया उसको कि आप कर लीजिए इंक्वायरी, अगर नहीं होगा तो नेचुरल है, सारी एजेंसियाँ बैठी है जहाँ पे। आज सुप्रीम कोर्ट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आने के बाद जो प्रेजेंट चीफ है बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें बहुत उम्मीद है जुडिशरी से, और वो लेंगे ना एक्शन अपने टाइम पे। एक बार उसने एफआईआर करने का काम पुलिस का, उसने बोला पुलिस को, और उसके बाद उनको इंक्वायरी करनी है, और कल उनके अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हमें दो दिन का और तीन दिन का टाइम दिया, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो जुडिशरी आएगी ना। देश का सम्मान है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखेंगे कि वो सुमोटो नोटिस पे? हमें आज भी जहाँ पे दो देश लोग अच्छे हैं जिनका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, एडवोकेट हैं, बहुत सारे लोग जो संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के पालन करने वाले हैं, और उनकी शिकायत भी है कि इस देश की सरकार संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, तो जैसे ही मौका आएगा वो लोग आएंगे सारे बीच में। नहीं सर, अपने खिलाफ जितने भी केसेस होते हैं, अपने खिलाफ जितने आरोप होते हैं, उन आरोपों से सीधे सीधे वो निकाल करके रख देते बाहर कि हमारे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो आप लोग कैसे लड़ेंगे? नहीं, वो निकालने के बाद नहीं है, ये तो नहीं है डेमोक्रेसी। अगले बार आएगा, दूसरा आएगा, तो उनके उस पर भी एफआईआर, क्रिमिनल एक्ट की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अगर आज वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जब सत्ता से हटेंगे तब गिरफ्तार हो जाएंगे। लॉ की तो, कानून की तो लंबे हाथ हैं। क्या मैसेज देना चाहिए? हम मैसेज यही देना चाहिए कि इन बच्चियों को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, अक्यूज को गिरफ्तार करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, अक्यूज को गिरफ्तार करके उसकी इंक्वायरी करो, और इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट में उसकी चार्जशीट फाइल करो, वहाँ पे अपने को निर्दोष सिद्ध करेगा वो। ये बच्चियाँ गलत नहीं बोल रही हैं, पहले इनको झांसा दे के एक कमेटी बना दी कि इंक्वायरी कमेटी बनाएंगी, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल सर्टिफिकेट दे दिया, जिसको इन्होंने टालना होता कमेटी बनाते हैं। अब ये एक प्रभाव में ऐसे चला गया है कि कमेटी कुछ नहीं होती है, केवल आई वाश होता है। और हम ये फिर अपील करते हैं सरकार से, उनकी ड्यूटी है, उनके उनका दायित्व है संविधान के अनुसार कि किसी के साथ भी ऐसा आपने आज तक नहीं देखा, पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा कि किसी ने किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करी और उसकी इंक्वायरी ना करे। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने देखा कल जो है बहुत वायलेंस, मतलब एक तरीके से क्रूरता हुई थी पुलिस की, किसी का टूट गया, कुछ बहुत सब आपने देखा, जहाँ भी एक दिन पहले क्रूरता हुई दिल्ली पुलिस में भी है। कोई बात नहीं, क्रूरता जो है जब जन आंदोलन होता है तो क्रूरता उसमें काम नहीं आती है, और क्रूरता करने वाले दबाए जाते हैं, ये इतिहास रहा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।